Welcome to my channel apke English for Beginning. Friends, आज हम लोग देखने जा रहे हैं लेशन 32, जहां पर हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, क्या होती है इसकी पहचान, बोलते समय या लिखते समय इसको कैसे लिखा या बोला जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी होगी, वो सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि दोबारा पास्ट इंडेफिनिट में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्या आज का लेसन 32। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट। और जो पास्ट इंडेफिनिट होता है इसकी दो पहचान होती है, एक तो क्या होगी हमारी ता था ती थी ते थे, और दूसरी क्या लिखी मैंने आ ई ए। दोनों ही चीजें वर्ब के साथ में जुड़ के आनी चाहिए, बस इतना ही आपको माइंड कर रहे हैं। कुछ सेंटेंस सुनिएगा, मैंने कहा वह बाजार गया या फिर वह बाजार जाता था, पापा ने मुझे डांटा या फिर पापा मुझे डांटते थे, उसने गाना गाया या फिर वह गाना गाती थी। दोनों ही कंडीशन में हमारा जो सेंटेंस होगा वो कहाँ का होगा, पास्ट इंडेफिनिट का। तो फ्रेंड्स, आपको माइंड ये करना है कि जब भी हम स्पीकिंग की बात करें और पास्ट की घटनाओं की बात करनी हो तो हमें उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को ही यूज करना होता है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं क्या इसको कैसे यूज किया जाए, स्पीकिंग करते समय क्या स्ट्रक्चर होंगे और क्या इसके एग्जाम्पल होंगे। तो आप देख सकते हो मैंने पूरे के पूरे 6 स्ट्रक्चर लिखे हैं बिल्कुल प्रीवियस लेशन की तरह, और इन सारे स्ट्रक्चर को यूज भी हमें उसी तरीके से करना है। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव या WH, कौन सा कहाँ का सेंटेंस है वो पहचान कर हमें इसे बनाना होगा। पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या रखना होता है, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आपको याद रखना होगा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडेफिनिट में ही किया जाता है, वो भी सिंपल सेंटेंस में, इसके अलावा पूरी ग्रामर में इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन जैसे ही बात नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हो जाएगी तो यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में हमने क्या रखा है, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, डिड, और डिड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट इतने में ही खत्म हो जाएगा कि अगर आपको मालूम हो जाए कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा तो डिड, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अब फ्रेंड्स, इसमें एक एग्जांपल की बात करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने आपके सामने क्या लिखा है कि वह बाजार गया। फ्रेंड्स, क्या बता सकते हो ये हमारा सेंटेंस कहां से बनने वाला है, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट वन से बनेगा ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर कौन है, वेन, और इस वह के लिए क्या लगा दिया, ही। इसके ठीक बाद हमें रखनी होगी क्या, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब क्या थी, जाना, जाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गो, और इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। तो हमारा ट्रांसलेशन बनेगा कुछ इस प्रकार से, ही वेंट टू मार्केट। बस हो गया हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। अब अगर मैंने आपसे कहा होता सी स्कॉल्डेड मी, स्कॉल्ड मींस डांटा, तो हिंदी क्या होगी, उसने मुझे डांटा। आई वर्शिप्ड, मैंने पूजा की। सी सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। आई डांस्ड, मैंने डांस किया। सी रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। एक बार फ्रेंड्स बात करते हैं क्या नेगेटिव सेंटेंस की। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने आपसे कहा होता कि वह बाजार नहीं गया, कुछ इस प्रकार का सेंटेंस होता, तो क्या बता सकते हो ये सेंटेंस हमारा कहां से बनेगा, सेकंड वन से बनेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना था जो कि रखा हुआ है, इस सब्जेक्ट के ठीक बाद हमें क्या लगाना होगा, डिड नॉट, तो डिड नॉट आप ऐड कर दीजिए, और डिड नॉट के बाद हमें रखनी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या थी, जाना, तो हमारा सेंटेंस बनेगा कुछ इस प्रकार से कि ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं गया। अब फ्रेंड्स, अगर स्पीकिंग की बात होती ना तो इसको दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, इस डिड और नॉट दोनों को शॉर्ट करके कुछ इस प्रकार से कि ही डिडंट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं गया। अच्छा, इसको डिडंट भी पढ़ा जाता है, आपकी जो मर्जी वो पढ़िए, बट मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने इसको डिडंट बोला तो बोलते समय फ्लो आएगा, आप इसको आसानी से बोल पाओगे और जल्दी बोल पाओगे, सुनने में भी ये अच्छा लगेगा। एक बार फिर से एग्जाम्पल की बात करें तो मम्मी वर्शिप्ड, मम्मी ने पूजा की, एंड मम्मी डिडंट वर्शिप, मम्मी ने पूजा नहीं की। सी वेंट टू आगरा, वह आगरा गई। सी डिडंट गो टू आगरा, वह आगरा नहीं गई। पापा केम हियर, पापा यहाँ आए, एंड पापा डिडंट कम हियर, पापा यहाँ नहीं आए। अगर हमारा सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होता कि क्या वह बाजार गया, क्या बता सकते हो कि ये हमारा सेंटेंस कहाँ से बनता, अगर मैंने ऐसा बोला होता कि क्या वह बाजार गया, तो सेंटेंस की शुरुआत कहां से होगी, क्या से, और क्या से स्टार्ट होने पर सारे सेंटेंस हमारे थर्ड वन से ही बनाए जाते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ इस डेट को उठा लीजिए और डेट को क्या कीजिए, सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए, तो सेंटेंस बनेगा डिड ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार गया। हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। और फ्रेंड्स, इसी सेंटेंस में अगर नहीं भी जोड़ दिया जाए और मैं आपसे बोलूं कि क्या वह बाजार नहीं गया,
कुछ इस प्रकार का सेंटेंस होता, तो क्या बता सकते हो कि ये सेंटेंस कहां से बनता? फोर्थ वन से बनता ना, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी और बीच में नहीं भी लिख गया। अब इसको बोलने के दो तरीके, बनाने के भी दो तरीके। सबसे पहले डिड रखना था जो कि लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट रखना था वो भी हमने रख ही लिया है पहले ही। इसके ठीक बाद हमें यहाँ पर क्या जोड़ देना होगा? नॉट। बस कंप्लीट हो गया सेंटेंस कि डिड ही नॉट गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं गया। अब स्पीकिंग की बात करें तो आप इस नॉट को डिड के साथ शॉर्ट करके ऐसे भी बोल सकते हो कि डिड ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं गया। बट अगर बात ग्रामर की होगी तो आपको नॉट को सब्जेक्ट के बाद ही रखना होगा। और फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं क्या डब्ल्यूएच वर्ड की। तो अगर मैंने आपसे कहा होता कि वह बाजार क्यों गया, कुछ ऐसा सेंटेंस होता, तो ये सेंटेंस हमारा कहां से बनता? फिफ्थ वन से। क्यों? क्योंकि अगर बात डब्ल्यूएच की होगी है तो उसको फिफ्थ वन या सिक्स वन से बनाया जाएगा। सिक्स वन से तब बनाएंगे जब डब्ल्यूएच के साथ नहीं भी आ जाए। तो फिलहाल ये सेंटेंस हमारा फिफ्थ वन से बनेगा। क्या रखना था? सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, और डब्ल्यूएच वर्ड हमें यहाँ पर कौन मिल गया? क्यों? तो इस क्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या रखना होगा? वाई लिखना होगा। तो आप वाई लिख दीजिए। इस डब्ल्यूएच के ठीक बाद हमें यहाँ पर क्या रखना है? डेट। तो डेट को भी लगा देते हैं। फिर क्या रखना होगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारा कौन था? वह। तो वह के लिए क्या रख दिया हम लोगों ने? ही। अब सेंटेंस हो गया हमारा कंप्लीट कि वाई डिड ही गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों गया। हाउ डिड ही गो टू मार्केट, वह बाजार कैसे गया। When did he go to market? वह बाजार कब गया? और फ्रेंड्स अगर हमारा सेंटेंस होता कि वह बाजार क्यों नहीं गया, तो क्या बता सकते हो कि ये सेंटेंस कहां से बनता? सिक्स वन से बनता ना, WH भी है और साथ में क्या हो गया? नेगेटिव भी होता है। कुछ नहीं करना है, इस सब्जेक्ट के ठीक बाद यहां पर क्या लगा दीजिए? नॉट। सेंटेंस हो गया कंप्लीट कि वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों नहीं गया। और आप चाहो तो इस नॉट को फिर से यहां पर शॉर्ट करके बोल सकते हो, लेकिन याद ये रखिएगा बोल सकते हैं। मार्क्स पाने की बात होगी तो नॉट को आपको सब्जेक्ट के बाद ही रखना होगा। तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने, ये था हमारा क्या पास्ट इंडेफिनिट। अब बात कर लेते हैं क्या कि आखिर इसमें हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो ध्यान से देखिएगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। फ्रेंड्स अब हमें ये देखना होगा कि जो लेसन हम लोगों ने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। स्पीकिंग करते समय आप अटके नहीं तो बहुत जरूरी होगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक दूसरे से पूछने होंगे, तो ये लोग कैसे आंसर देंगे इसको ध्यान से सुनिएगा और ऐसी प्रैक्टिस आप भी कीजिएगा। डिड यू रिपेयर माई कंप्यूटर? नो आई डिड रिपेयर योर कंप्यूटर। डिड यू व्हाट्सएप? यस आई व्हाट्सएप। डिड यू ऑपरेट कंप्यूटर? यस आई ऑपरेट कंप्यूटर। डिड यू कम बाय बाइक? या आई केम बाय बाइक। डिड यू टेक टी? या आई टूक टी। डिड यू सेव मनी? यस आई सेव्ड मनी। डिड यू अब्यूज मी? नो आई डिडंट अब्यूज यू। Did you complete your work? No, I didn't complete my work. Did you steal money? No, I didn't steal money. Did you buy a new mobile? Yeah, I bought a new mobile. Did you cook food? Yes, I cooked food. Did you go to market? Yeah, I went to market. Did your father call you? No, my father didn't call me. Did your mom beat you? No, my mama didn't beat me. Did I punish you? Yes, you punished me. Did you go to office? No, I didn't go to office. Did you complete my work? Yeah, I completed your work. तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने हम लोगों ने कैसी प्रैक्टिस की। आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी होगी तभी जाके काम बनने वाला है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। सी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। सी बाय बाय एवरीवन। बाय बाय।